बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? अब हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ करेंगे। ये असल में कोई प्रूफ नहीं है, इसमें हमारी प्रैक्टिस करवाई गई है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो वो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का अगली एक्सरसाइज 10.2 के सेम क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो यहाँ प्रैक्टिस कर लें। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का जब आप क्वेश्चन प्रूफ करने जाएंगे तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हमें दे रहा है। तो हम सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अगर पैरेललोग्राम हमें दे रहा है तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये साइड ए बी ये पैरेलल है साइड सी डी के, ये इसकी अपोजिट साइड है। इसी तरह से साइड ए डी पैरेलल है साइड बी सी के, ये इसकी अपोजिट साइड है। मैंने पैरेलल के निशान बनाए हुए हैं और कलर से आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ये दोनों ब्लू कलर हैं और ये भी दोनों ब्लू कलर हैं और थोड़े से लॉन्ग हैं। ये कॉन्ग्रूएंट के निशान नहीं है बल्कि पैरेलल के निशान हैं। इसी तरह ये और ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो यहाँ तक हमने बना लिया है, पैरेललोग्राम ले लिया। इसको हम गिवन में लिख लेते हैं, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जिसमें हमें मालूम है पैरेललोग्राम बता रहा है तो ए बी और सी डी पैरेलल हैं ऑपोजिट साइड्स, इसी तरह से सी डी और डी ए ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ये हमने गिवन में लिख लिया। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि पैरेललोग्राम में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन एनी साइड आर इक्वल, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे किसी भी साइड के वो बराबर होंगे। ये कंजेगेटिव एंगल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रैक्टिस करनी है। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाने, नेक्स्ट मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। ये दो पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि ए डी पैरेलल है बी सी के, सेगमेंट्स पैरेलल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी। इसके बाद ये भी दो पैरेलल लाइंस होंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि पॉइंट ए पर कितने एंगल बनेंगे। अगर टोटल मैं एंगल बनाना चाहूँ तो ये चार एंगल बनेंगे। इनको मैंने नाम क्या दिया हुआ है, इस एंगल को एंगल वन नाम दिया हुआ है, इसी तरह से इसको एंगल टू, इसी तरह एंगल थ्री और ये एंगल फोर हो जाएगा। ये तो आपको मालूम है कि एंगल टू और एंगल फोर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल वन और एंगल थ्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये हम थ्योरम्स में प्रैक्टिस कर चुके हैं अच्छी तरह से। इसके बाद पॉइंट बी पर ये चार एंगल बनेंगे। यहाँ तक मैंने एंगल फोर तक नाम दे दिया है, तो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन, एंगल एट। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, एंगल सिक्स और एंगल एट भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अच्छा, इसके बाद एंगल एट तक हो गया था, एंगल नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, इस तरह मैंने नाम दिया। नेक्स्ट ट्वेल्व हो गया, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, इस तरह हमने नाम दिया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर साथ में एडजेसेंट एंगल भी बता देता हूँ मैं आपको। सेम क्वेश्चन फाइव एक्सरसाइज 10.2 में है, वहाँ एडजेसेंट एंगल भी होगा। तो एंगल्स की हम बात कर रहे हैं तो एक और एंगल आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको नाम याद रहे। एंगल वन और एंगल टू अगर आप देखें तो ये दोनों बराबर बराबर में एक दूसरे के पड़ोस में है। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ए डी, इस लाइन पर ये दोनों एंगल आकर टच हो रहे हैं। ये कॉमन आर्म है ना, हर एंगल में दो आर्म होते हैं, यानी दो साइड्स जो होती हैं उनको हम आर्म कहते हैं, एक ही आर्म एंगल का और एक ही आर्म एंगल का। तो ये इन दोनों पे हम टच करके ये नोटेशन बनाते हैं कि एंगल डिफाइन हो रहा है इन दोनों आर्म्स की दूरी से या इन दोनों रेस की दूरी से। सो ये दो एंगल्स के दरमियान कॉमन आर्म है। अगर किसी भी दो एंगल के दरमियान कॉमन आर्म होता है तो ऐसे दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, बराबर बराबर में एंगल कहलाते हैं। एडजेसेंट में यहाँ लिख देता हूँ, तो एंगल वन और एंगल टू ये दो एंगल है, दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं ये दोनों। इसी तरह से एंगल टू और एंगल थ्री भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये रहा कॉमन आर्म दोनों में। एंगल थ्री, एंगल फोर एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल फोर, एंगल वन एडजेसेंट एंगल हैं, ये कॉमन आर्म है। इनके दरमियान दोनों बराबर बराबर में है, पड़ोस में एक दूसरे के एंगल हैं ये, तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो यही दो एडजेसेंट एंगल आप कहीं भी देख सकते हैं, एंगल फाइव और एंगल सिक्स एडजेसेंट हैं, सिक्स सेवन एडजेसेंट हैं, सेवन एट एडजेसेंट हैं और एट और फाइव एडजेसेंट हैं। और यही चीज़ आप यहाँ और यहाँ भी देख सकते हैं। सो एडजेसेंट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का तो आपको आइडिया है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का भी आपको आइडिया है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, अगर एंगल फाइव लिया है मैंने यहाँ पर तो इस लाइन पर ये ट्रांसवर्सल मान रहा हूँ और ये दोनों लाइंस अगर मैं मान रहा हूँ तो एंगल फाइव के एतबार से जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो एंगल फोर होगा। तो अगर आप ये ट्रांसवर्सल मान के चलते हैं और ये दोनों लाइंस लेते हैं तो एंगल फाइव का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, एंगल टेन। तो इस तरह से आप जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखते हैं। इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, ये तो अंदर वाले एंगल थे,
ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, अगर एंगल 8 में ले रहा हूँ तो ये बाहर वाला एंगल है ना इन दोनों लाइंस पर, और ये ट्रांसवर्सल है तो एक बाहर वाला एंगल है। इसी तरह से ऑल्टरनेट होगा और एक्सटीरियर होगा तो ऑल्टरनेट और एक्सटीरियर एंगल 3 होगा। अगर मैं इन दोनों लाइंस को पैरेलल मान के चल रहा हूँ और इसको ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ, वैसे तो लाइंस पैरेलल ही है ना, तो हमारी ये तो प्रैक्टिस है ना कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, तो एंगल 5 और एंगल 4 बराबर होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, ये भी हमारी प्रैक्टिस है, तो एंगल 4 और एंगल 2 बराबर होंगे, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 7 है, 5 और 7 भी बराबर होंगे, तो देखिए ना एंगल 2 और एंगल 7 भी बराबर आ गए। ये दोनों क्या हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, दोनों बाहर वाले एंगल हैं, ऑल्टरनेट मौजूद है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही हमने ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसी तरह जो ये क्वेश्चन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी बराबर होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं? सेम साइड पर एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल। तो एंगल 5 और एंगल 4 में वापस से लेके चलता हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम इसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखें ये दोनों एंगल बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इस एतबार से सेम साइड पर ये जो दो एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, तो एंगल 2 और एंगल 5 भी बराबर आ जाएंगे, तो तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो हमें यही कह रहा है कि ऑन एनी साइड पैरेललोग्राम की हर एक साइड पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, ये हमें देखना है, प्रैक्टिस करनी है और बताना है। तो इस तरह से तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना लें, कि सेम साइड पर एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, उसी से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल निकाला तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं, उसी से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकाला तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। लेकिन एडजेसेंट एंगल्स बराबर नहीं होते, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, कॉमन आर्म से बन रहे हैं, हमेशा इक्वल नहीं होते। सो ये आपने याद रखना है कि ये बात एडजेसेंट एंगल से मुतालिक नहीं है। सो ये डिफरेंट नाम है एंगल्स के, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। पुरानी बुक में तो आपको ये थ्योरम प्रूव भी करवाया हुआ था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, तो वहीं कॉर्लरी में ये सारे नाम भी आपके पास आ जाते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। असल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है ऑल्टरनेट नहीं होगा, सेम साइड पर होगा और एक इंटीरियर होगा एंगल, एक अंदर वाला होगा और एक बाहर वाला एंगल होगा सेम साइड पर। तो एंगल 5 और एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 1 और एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरह आपने लाइंस देखनी है और उसके अतबार से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। सो अगर मैंने ये दो लाइंस ली हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन मैंने ली हुई है और ये ट्रांसवर्सल के तौर पे काम कर रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? एक इंटीरियर एंगल होगा और एक एक्सटीरियर एंगल होगा, एंगल 1 और एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो यहाँ मैंने लिख लिया कि ए डी और बी सी मैंने पैरेलल ली है और यहाँ पर ए बी ट्रांसवर्सल ली है, ये ना ए बी ट्रांसवर्सल के तौर पर काम कर रही है और ये आपको नजर आ रहा है ए डी और बी सी। तो इस केस में जो पैरेललोग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एंगल 1 और एंगल 8 होंगे आपके पास, तो ये भी तो एंगल थे ना। देखें ये दोनों एंगल पैरेललोग्राम के बाहर बन रहे हैं, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं अगर लाइन के एतबार से देखेंगे, बट क्योंकि हम पैरेललोग्राम के एतबार से देख रहे हैं तो एक एंगल कम अज कम हम पैरेललोग्राम का इंटीरियर लेंगे, उसके एतबार से देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये याद रखना है। ऑल दो कोई ऐसी बात नहीं है, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसी तरह से ये और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये एक भी एंगल इन दोनों में से इंटीरियर नहीं है, पैरेललोग्राम के अंदर नहीं है, तो इसलिए हम इसको पैरेललोग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं कहेंगे। अदरवाइज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ज़रूर हैं, लाइंस के एतबार से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। सो ये जो मैंने सेम पैरेलल लाइन लिए ए डी बी सी और ट्रांसवर्सल ए बी है, इस पर और कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे? ये दोनों बनेंगे, देख लें एंगल 5 और एंगल 2, एक अंदर वाला एंगल एक बाहर वाला एंगल सेम साइड पे, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल 5 एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब अगर मैं अपनी ट्रांसवर्सल बदल दूँ, ये मैंने ऊपर वाली ट्रांसवर्सल ले ली है, सेम पैरेलल लाइन से ए डी बी सी और ट्रांसवर्सल डी सी है, इसके एतबार से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे एंगल 9 और एंगल 14, यहाँ मैंने लिख दिया एंगल 9 एंगल 14, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए डी बी सी सेम पैरेलल लाइन है बट ट्रांसवर्सल चेंज हो गई है, सी डी ट्रांसवर्सल आ गई है। सो इसी सेम ट्रांसवर्सल पर बाकी के जो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे एंगल 13 और एंगल 10, तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल 13 और एंगल 10 होंगे इन पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल के हिसाब से, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यहाँ हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट, अभी हमने इन दोनों को पैरेलल लाइन लिया था तो पैरेललोग्राम तो है ही नहीं है, अब मैं इन दोनों को पैरेलल लाइन ले रहा हूँ, अब एक वक्त में पहले इसको ट्रांसवर्सल ले लूंगा फिर इसको ट्रांसवर्सल ले लूंगा, तो होप कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो देखना आ गए। सो वही काम हम करते हैं,
अब ये दो पैरेलल लाइंस ले ली है मैंने, ए बी और सी डी, और ट्रांसवर्सल ली है बी सी। ए बी सी डी पैरेलल ले ली है, बी सी ट्रांसवर्सल ली है। इसके एतबार से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे सेम साइड पर, एक अंदर और एक बाहर वाला एंगल, एंगल बी और एंगल 12 होगा, और दूसरा जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा एंगल 9 और एंगल 6 होगा। ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख लिए, एंगल 5 12, एंगल 9 6, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं अगर ये पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल ले रहे हैं तो। अब आखिरी केस देख लेते हैं हम, अगर मैंने ए बी सी डी पैरेलल लिए, वही सेम जो यहाँ पैरेलल ली थी, बी सी ट्रांसवर्सल के बजाय ए डी ट्रांसवर्सल ले लिए, ये ट्रांसवर्सल ले लिए, तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे आप खुद आइडिया लगाएं। एंगल 1 और एंगल 16 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और एंगल 4 और एंगल 13 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस करवाई गई थी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, मैंने साथ में आपको एडजेसेंट एंगल भी बता दिया है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बता दिया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बता दिया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बता दिया है, साथ में किसको नाम देते हैं हम। तो ये सारे नाम की आपने प्रैक्टिस करनी है, याद रखना है। आपकी पुरानी बुक में तो थ्योरम्स मौजूद थे इससे रिलेटेड, बट इसमें नहीं है, लेकिन आपने इसको इसी तरह से मान के चलना है। सो होप कि आपको ये आसान सी वीडियो समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई आपका सवाल है, कोई बात ऐसी जो ना समझ आई हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा उसी हिसाब से। या आखिरी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।